अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीका खामोशी से इसराइल को हथियारों की मुंतकली बढ़ा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पेंटागन को दी गई दरखास्त में अपाची गनशिप बेड़े के लिए मजीद लेजर गाइडेड मिसाइल शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 155 mm गोले, नाइट विजन डिवाइसेज, बंकर बस्टर गोला बारूद और फौजी गाड़ियाँ भी दरखास्त में शामिल है। इसके अलावा अमरीकी महकमा दिफा अमरीका और यूरोप के जखायर से इन हथियारों को दस्तयाब कराने के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इसराइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करता है।